Hello everyone and welcome back to our fitness channel Azra Khan Fitness, your one-stop destination to lose weight without burning a hole in your pocket. जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा हर मंथ tested on my client diet plan डालती हूँ इस चैनल पे, जहाँ पे मैं अपनी कोई किसी एक क्लाइंट का बेस्ट डाइट प्लान जिसने उसको मैक्सिमम रिजल्ट दिए वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. पर उसके पहले आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि उस डाइट प्लान में जितनी भी रेसिपीज इंक्लूडेड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली. इस रेसिपी को सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आगे चल के मेरा क्लाइंट का डाइट प्लान आए उस डाइट प्लान में ये रेसिपी भी इंक्लूडेड होगी. जिनको नहीं पता, आई एम अ सर्टिफाइड डाइट कंसल्टेंट एंड आई डू पर्सनल कंसल्टेशन एज वेल. सो इफ यू वॉन्ट टू कंसल्ट मी देन यू कैन मेल मी ऑन दिस आईडी. फिलहाल आज का वीडियो है एक अमेजिंग सी वेट लॉस रेसिपी के ऊपर. इट इज अ मूंग दाल चीला. इसके पहले मैं एक ग्रीन मूंग दाल के चीले का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी इन वन ऑफ माय टेस्टेड ऑन माय क्लाइंट डाइट प्लान में ही. पर वहां पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपके डाइट प्लान थोड़े लंबे हो जाते हैं तो आप रेसिपीज अलग डालो और डाइट प्लान अलग डालो. सो तब से लेके अब तक मैं यही चीज फॉलो कर रही हूँ दैट मैं रेसिपी अलग डालती हूँ और मैं डाइट प्लान अलग. आज की जो मूंग दाल की चीले की रेसिपी है उसमें जो मूंग दाल है वो येलो मूंग दाल है. तो पहले उसके थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्यों मैंने उसको अपने डाइट में, अपने क्लाइंट के डाइट में इंक्लूड किया है. सो दैट यू नो बेटर कि व्हाई टू इनकॉर्पोरेट मूंग दाल चीलास इन योर डाइट, स्पेशली इन योर ब्रेकफास्ट. दाल स्पेशली बहुत ही रिच होती है प्रोटीन में. सो अगर आप वेजिटेरियन है इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू गेट प्रोटीन अदर देन पनीर. बहुत सारे लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि पनीर के अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है. बट गाइज अगर आप रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली वेजिटेरियंस के लिए भी थोड़े ऑप्शंस है. ऑफकोर्स नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले में ऑप्शंस आपके लिए थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं. पर थोड़े से क्रिएटिव हो जाओ और अगर रिसर्च करो तो डेफिनेटली पनीर से ज्यादा ऑप्शंस है. फर्स्ट आप मूंग दाल कंज्यूम करते हैं तो एक हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन. वो हमारी बॉडी में भूख को कंट्रोल करता है. तो कोलेसिस्टोकाइनिन हमारी मूंग दाल के चीले में अमेजिंग अमाउंट में होता है. तो हमारी बॉडी को सेटाइटी सेशिएटेड रखने में मदद करता है. जब आपकी बॉडी सेशिएटेड रहेगी तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी. जब आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी तो आप ओवर ईट नहीं करोगे. एंड जब आप ओवर ईट नहीं करोगे तो आपका वजन कम होगा. सो दैट इज वाई कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से आपका एड करेगा वेट लॉस मूंग दाल. इसलिए मूंग दाल का चीला बहुत ही अमेजिंग है इन योर वेट लॉस. उसके अलावा अगर आपको इनडाइजेशन गैस का इशू है तो भी आपको मूंग दाल डेफिनेटली अपने डाइट में कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स इन एडिंग डाइजेशन और गैस की दिक्कतों को भी ये रिमूव करता है. हमारी मूंग दाल के अंदर होते हैं ब्यूटायरेट फैटी एसिड्स. तो जब हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको तो हमारी बॉडी का इंटेस्टाइनल वॉल का गट को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है. एंड इन टर्न अगर आपको गैस का इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो उससे भी आपको मदद देता है. काफी ज्यादा लाइट होती है, बहुत ज्यादा हेवी दाल नहीं है तो आपको एक्टिव रखने में भी मदद करेगा. अगर आपको डायबिटीज भी है तो भी आप मूंग दाल को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सिर्फ चीले के ही फॉर्म में नहीं, अलग अलग फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. आप इसको नॉर्मल दाल की तरह भी पी सकते हैं, प्लस आप उसके दाल के पराठे बना के खा सकते हैं और वेरियस अदर वेज में आप दाल को यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही रेसिपी डालो, बट दिस इज अ इजियर ऑप्शन. और ब्रेकफास्ट में अगर आप कंफ्यूज रहते हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, तो आप आराम से उसको डब्बे में पैक करके ले जा सकते हैं. एंड दीज आर द अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ मूंग दाल अलोन. अगर आपको नहीं पता, आई एम श्योर इनमें से एक चीज होगी जो जरूर आपको नहीं पता होगी. मूंग दाल में भर भर के मिनरल्स और वाइटमिन भी होते हैं. वाइटमिन B12 इसके अंदर होता है. इसके अंदर जिंक, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है. सो आपको मल्टी वाइटमिन लेने की जरूरत नहीं है इफ यू इनकॉर्पोरेट जस्ट मूंग दाल इन योर डाइट. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज टू स्विच टू मूंग दाल इफ यू आर कंज्यूमिंग अरहर और चने की दाल. मूंग दाल, मसूर दाल, ये सारी दाल जो होती है वो लाइट होती है ऑन द स्टमक और आपके वेट लॉस में भी ऑफकोर्स आपकी हेल्प करेगा. These were all the benefits which I wanted to share before this recipe. This recipe is going to help you for sure in losing weight. But ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सिर्फ खाके आपको consistently जो मैं diet plan अभी आपके अपने client का आपके साथ share करूंगी उसको consistently एक महीने तक follow करो and तब जाके आपको results मिलेंगे. Overnight कुछ नहीं होता है guys. तो अगर आप मेरे diet plans एक दो दिन follow करके मुझे बोलोगे कि आपको work नहीं किया, मैं मानूंगी नहीं because I have examples जिन पे work किया है. तो आप अगर एकदम प्योर हार्ट के साथ ईमानदारी से उसको फॉलो करोगे डाइट प्लान को तो डेफिनेटली आपका वजन कम. समिंग दैट अप, अब हम लोग चलते हैं वेट लॉस रेसिपी के ऊपर और उसके बाद मैं वापस आके बताऊंगी कि कौन कौन इसको ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है, बेसिक्स कौन फॉलो कर सकता है और नहीं. आप हमेशा लास्ट का पार्ट वीडियो का नहीं देखते हो जिसकी वजह से आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करते हो कि ये हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं. तो मैं
इस वीडियो में ही आपको बताऊंगी कौन ले सकता है, कंटेंट सेक्शन में ये क्वेश्चंस केटर नहीं किए जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखो, दिस इज योर पनिशमेंट। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो डेफिनेटली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एंड हाफ इन्फॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन नो इन्फॉर्मेशन। लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। सबसे पहले आपको मूंग दाल को भिगोना है हमारे चीले को बनाने के लिए। तो ये मैंने ओवरनाइट सोक करके रखी हुई है येलो दाल। ओवरनाइट सोक करने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, और फिर हमें एक ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर देना है, एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है ताकि चीला बनाना हमारे लिए आसान हो। इसके अंदर और कुछ भी हम लोग नहीं डालेंगे एक्सेप्ट फॉर दिस चीला, तो यही हमारा बेस होगा, तो इसलिए बहुत स्मूथ पेस्ट है। थोड़ा सा हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट स्वाद अनुसार, और पिंक हिमालयन सॉल्ट ही डालें। नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट से आपको काफ़ी वाटर रिटेंशन मिलेगा, सो दैट इज़ वाई मेक श्योर कि आप पिंक हिमालयन सॉल्ट ही डालें। और यहाँ पे जितना मैंने एक कटोरी फुल मूंग दाल भिगोई थी जिसमें मुझे 8 चीले मिले थे, भुना हुआ जीरा उसको उसका पाउडर बना के उसको भी मैं डाल रही हूँ, और घर पे ही पाउडर बनाए ये ज़्यादा टेस्टी होता है और या ज़्यादा हेल्दी भी। अब हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बना है, एंड या वी आर रेडी टू गो। अब यहाँ पे मैं आयरन के तवे पे इस तरीके से एक कपड़ा लेके उसको ग्रीस कर रही हूँ हल्के से ऑलिव ऑयल से। ऑयल्स या तो ऑलिव ऑयल यूज होगा या तो घी। चीले के अंदर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम और ग्रेटेड कैरेट भी डाल सकते हैं, मेरे पास उस वक्त नहीं था, बट आप ज़रूर डालें अगर आपके पास और वेजिटेबल्स हैं। जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी उतना अच्छा चीला आपका बनेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलिकन ब्रश की हेल्प से ऑयल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल, एंड एक स्पून से मैंने यहाँ पे चीला डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। जितना पतला आपसे हो पाए उतना करें, थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, बट इसका साइज देख लें, क्योंकि इस तरह के आपको 2 से 3 चीले ही कंज्यूम करने हैं, तो बहुत बड़ा चीला आपको नहीं बनाना है। जब एक तरफ से पूरा पक जाएगा तो ऊपर से स्टीम से ही पक जाएगा, तो आपको थोड़ा सा उसको बस फ्लिप करके हल्का सा एक और बार सेकना है, एंड आपका चीला बनके तैयार हो जाएगा। दिस इज हाउ सिंपल दिस रेसिपी इज गाइज, और 2 से मिनिमम आपको 2 लेने हैं, बट मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं, 2 आइडियल है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 2 ही लो, ठीक है। उसके साथ मैं कर्ड यूज कर रही हूँ, आप कर्ड को जरूर इनकॉर्पोरेट करें एज अ प्रोबायोटिक इन योर मील्स, और चीले को कर्ड के साथ अगर आपको नहीं खाना है तो आप हरी चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड विद दैट द सिंपल मूंग दाल चीला रेसिपी इज रेडी, एंड इट इज अमेजिंग फॉर वेट लॉस। ये थी हमारी मूंग दाल चीला की रेसिपी, सुपर सिंपल, सुपर इजी टू प्रिपेयर, बहुत कम टाइम लगता है, अगर आप उसको भिगो के रखोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, एंड इट इज डिलीशियस एज वेल। आप इसको किसी भी होममेड चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ मत खाइए, क्योंकि सॉस में बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर होता है। वेट लॉस जर्नी में मत खाओ, जब आप मेंटेन कर रहे होगे तो ऑफकोर्स एक चम्मच सॉस में इतना कुछ नहीं होगा, बट वेट लॉस में एक चम्मच से भी फर्क पड़ेगा, तो इसलिए वेट लॉस जर्नी में नहीं कंज्यूम करना है विद सॉस। ग्रीन चटनी, धनिया की चटनी आती है और पुदीने की चटनी, जिस तरह की भी चटनी आप घर पे प्रिपेयर करोगे, कम सॉल्ट रखना उसमें, एंड यू कैन हैव इट विद दैट। उसके साथ साथ आप इसको चाय के साथ भी अकंपनी कर सकते हो, ऑफ कोर्स शुगर नहीं, शुगर की जगह गुड़ ना। अब बात करते हैं कौन कौन ले सकता है। अगर आपको डायबिटीज है आप ले सकते हो, पीसीओडी है आप ले सकते हो, थायराइड है आप ले सकते हो, अदर देन दैट नॉर्मल पीपल लाइक विद नो मेडिकल इश्यूज दे कैन डेफिनेटली कंज्यूम इट। अब विद दैट मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, 1 meal a day कर रहे हैं, 2 meal a day कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप ये इनकॉर्पोरेट करोगे आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे इस रेसिपी के साथ, एंड आपको और बेनिफिट्स इसके क्या है वो तो मैंने पहले ही बता दिया। With that, I come to the end of this. If this video is informative, laga, to give it a big fat thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel because I come up with these kind of amazing health and fitness related videos. आप ही के लिए, सो दैट आप ऑन अ बजट कैसे अपना डाइट मेंटेन कर सकते हो, वजन कम कर सकते हो, आपको पता चलता रहे। अपडेटेड स्टडीज के साथ भी मैं आती रहती हूँ आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि फिटनेस इंडस्ट्री में क्या अभी लेटेस्ट है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस स्टफ देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। मोस्टली आई अपलोड 3 videos a week। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, जहां पे मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक हेल्दी रेसिपी भी अपलोड करती हूँ, एंड आई motivate you guys through my stories also on how important it is, especially if you are a woman, to work out and be healthy and all that stuff. With that, all the promotion done, I'll see you guys super soon in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.